अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, हिंसी अमल इस सबक के अंदर अब हम देखेंगे खत पर वाक्य नुक्ते से इस खत पर उमूर खींचना। तो इसके दो तरीके होते हैं, जिसमें से पहला तरीका है गुनिये का इस्तेमाल करके, यानी गुनिये का इस्तेमाल करके हम किस तरीके से किसी खत के ऊपर उमूर खींच सकते हैं, इसके बारे में हमको इस वीडियो में देखना है। तो सबसे पहले स्केल की मदद से हम एक खत खींच लेते हैं। इस खत को हम नाम देंगे ए बी। ये हो गया खत ए बी। अब खत ए बी के ऊपर कोई एक नुक्ता सी, यहां पर हम लेंगे इस नुक्ते का नाम देंगे हम सी, यहां पर ये नुक्ता बनाएंगे। अब इस नुक्ते की मदद से हमको इस खत के ऊपर उमूद खींचना है। उमूद का मतलब हम जानते हैं कि हमें इस खत के ऊपर एक तरह का कायमा जाविया बनाना है। जब हम इस पर कायमा जाविया बना लेंगे तो उसका मतलब होगा हमने इस खत के ऊपर उमूद खींचा। अब हमारी कंडीशन ये है कि हमको गुनिये का इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले आपके कंपास बॉक्स के अंदर इस तरीके से गुनिया आपको नजर आएगा। दो तरह के गुनिये होते हैं और एक उसमें चांदा होता है, स्केल होती है। तो ये गुनिया है, इसकी मदद से हमको इस खत के ऊपर उमूद खींचना है। तो इसका तरीका क्या है? तो इसका तरीका ये है कि सबसे पहले इसके निशान को जो है सी के ऊपर इस तरीके से रखा जाए कि ये जो लाइन आपको नजर आ रही है ये लाइन पूरी तरीके से इस खत पर मुंतबिक हो जाए। अब जब ये पूरा इस तरीके से इस खत पर मुंतबिक हो जाएगी, ये नुक्ता आपको नजर आ रहा है, देखिए खत की पूरी सीधान में यानी पूरा सीधी तरीके से ये मुंतबिक हो गए, तो यहाँ कहीं भी आप एक नुक्ता लेकर छोड़ दी। हमने यहाँ पर एक नुक्ता लगा लिया, उसको छोड़ दिया। अब स्केल की मदद से या गुनिये की मदद से हम इस नुक्ते को नुक्ता सी से मिला देते। ये खत हमारे पास तैयार हो गया। इस नुक्ते को जो नुक्ता हमने बनाया था उस नुक्ते को हम डी नाम दे देंगे, है ना। तो अब यहाँ पर हमारे सामने एक शक्ल नजर हमको आ रही है कि खत ए बी के ऊपर खत सी डी हमने बनाया है, लेकिन जब हम इसे गौर करेंगे तो ये यहाँ पर 90 दर्जे का जाविया बन रहा है, यहाँ पर भी 90 दर्जे का जाविया बन रहा है, यहाँ पर भी 90 दर्जे का जाविया बन रहा है, और इस साइड भी 90 दर्जे का जाविया बन रहा है। जब इस तरीके से चारों जगह पर कायमा जाविया यानी 90 दर्जे का जाविया बनता है, तब हम कह सकते हैं कि खत सी डी खत ए बी पर उमूद है, और गुनिये का इस्तेमाल करके हम इस तरीके से खत के ऊपर उमूद बना सकते हैं।